हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप परेशान हैं आपकी वजाइना में से आने वाली बदबू से, उसके कालेपन से और इंटीमेट पार्ट्स में आपको बार बार हो जाता है फंगल इन्फेक्शन, तो आज मैं इन तीनों चीज़ों के ऊपर वीडियो लेकर के आई हूँ और साथ ही उपाय लेकर के आई हूँ जिससे कि आप अपने इंटीमेट पार्ट्स में जो इन्फेक्शन हो गया है उसे ठीक कर सकें, वजाइनल स्मेल को ख़त्म कर सकें और वजाइनल जो पार्ट है आपका उसकी ब्लैकिश को ख़त्म कर सकें। तीनों चीज़ों के उपाय आज मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वजाइनल इन्फेक्शन से। तो देखिए, ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि कई बार आप इंटीमेट करने के बाद या संभोग करने के बाद अपनी वजाइना को अच्छे से नहीं साफ करते हैं, इस वजह से ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। मोस्टली ऐसा ही होता है या फिर कई बार ऐसा होता है टाइट कपड़े पहनने की वजह से। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इसके उपाय बताऊंगी। तो उपाय के लिए आपको क्या करना है, फिटकरी लेंगे। और कितनी फिटकरी लेनी है? एक बड़ा टुकड़ा फिटकरी का ले लेंगे, उसे तवे पर अच्छे से भून लेंगे, उसका जो पानी है वो जल जाएगा और फिटकरी का पाउडर आपके पास बच जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उस फिटकरी के पाउडर को 5 ग्लास पानी में बॉईल करेंगे और जब आप उस पानी में फिटकरी को बॉईल करें तब 5 से 7 पत्ते नीम के उसमें डाल लें। और इस 5 ग्लास पानी को आपको इतना ज़्यादा बॉईल करना है कि वो 2 ग्लास बच जाए। और फिर इसी पानी से आपको पूरा दिन अपनी वजाइना साफ करनी है और इसका इस्तेमाल आप इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी कि अपनी बाहरी सतह और अंदर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो अंदर इंटीमेट पार्ट्स में इन्फेक्शन हो गया है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कालापन। कालापन कैसे दूर करेंगे? आप 2 पाउच कॉफ़ी के लेंगे और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लेंगे और फिर इन दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे और उसे अपने इंटीमेट पार्ट पर रब करेंगे, उन्हें अच्छे से मसाज करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपके वजाइनल पार्ट में जो कालापन है या फिर थाइस के बीच में जो कालापन है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपको वजाइना स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप अपनी डाइट में 1 कटोरी दही ज़रूर शामिल करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो पीएच लेवल है वो सही हो जाएगा और जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपको जो कपड़े हैं जो आप इनरवियर पहनते हैं वो कॉटन के ही होने चाहिए। इनरवियर कॉटन के नहीं पहनते हैं तब पसीना अंदर ही जमा हो जाता है, जिससे आपको इंटीमेट पार्ट्स में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। टॉयलेट जाते हैं और पानी लेते हैं टॉयलेट के बाद, तब इंटीमेट पार्ट्स को किसी भी कॉटन के कपड़े से साफ कर लें जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा।